हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और प्लीज़ संभल कर रहिए, अभी भी दोबारा कोविड का बीमारी बढ़ रही है, तो इसलिए आप लोग संभल कर रहिए। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी में ज़्यादा मसाले ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, जो भी मेरे घर में हैं बस वही मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, ये फूलने के लिए मैंने रख दिए थे 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे में, 2 से 3 घंटे में ये आराम से फूल जाते हैं। और यहाँ पर मैं इनको बॉयल करने के लिए चढ़ा रही हूँ गैस पर। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी कर लिया है कुकर में, और इनको गैस पर चढ़ा दूँगी मैं, और 3 से 4 सीटी इसमें आराम से लगा दूँगी। और आप चाहें तो इसमें तेज़पत्ता, काली इलायची, बड़ी इलायची आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 4 से 5 सीटी मैंने लगा ली थी इसमें, और उसके बाद मैंने कुकर खोला है, तो कुकर में देखिए ये अच्छे से पक गई हैं। और यहाँ पर अच्छे से ये देख सकते हैं आप, गल चुका है, ये दाल जो है गल चुकी है। तो इसको मैं अब तड़का लगाने के लिए तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे हाय कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मसाले तैयार कर लिए हैं, लहसुन प्याज चॉप कर लिए हैं, टमाटर और तेज़पत्ता ले लिया है, और हरी मिर्च ले ली हैं, सूखी लाल मिर्च भी ले ली है मैंने। तो ये सब मैंने एक जगह तैयार करके रख दिए हैं। तो अब मैं तड़का लगाने के लिए लूँगी मक्खन। तो ये बाज़ार से मंगाया हुआ मक्खन है, तो उसी में मैं तड़का लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है मैंने, तो कुकर में ये मक्खन ऐड कर दिया है। मक्खन ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसमें दालचीनी या फिर कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा था, मैंने सिर्फ तेज़पत्ते ही ऐड करे हैं। तो यहाँ पर तेज़पत्ता मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी, और जीरा मैंने पहले ही इसमें डाल दिया था तो भुन चुका है। और मक्खन जो है जल्दी से जल जाता है, तो उसको जल्दी ही सारा कुछ ऐड करना पड़ता है इसमें जल्दी से, क्योंकि वो जल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हरी मिर्च। तो इसके बाद मैं इसमें जो प्याज चॉपर की हुई रखी है इसको ऐड कर दूंगी मैं। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक इसको मैं भून लूँगी। और जब तक सब्ज़ी में या फिर मसाले में कलर ना आए, जब तक अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी देखने में। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसी तरह चलाती रहूँगी और इसको ब्राउन होने तक भून लूँगी। अगर नहीं चलाते हैं तो फ्रेंड्स लग जाता है, कहीं कहीं से प्याज जल जाती है या मसाला जल जाता है। तो इसको मैं इसी तरह से चला दूँगी जब तक मसाला भूनूँगी, क्योंकि मसाला भूनना चलाना ज़रूरी होता है। तो ये प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें मैं टमाटर रखे हैं चॉप किए हुए, उनको भी ऐड कर दूँगी। और इसके बाद 2 मिनट तक इनको इसी तरह फ्राई करूँगी अच्छे से। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं लहसुन प्याज टमाटर, और इसके बाद मैं इसमें मसाले भी ऐड करने हैं। इसको फ्रेंड्स मैं थिंक ही रखूँगी, थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि चावलों के साथ लेंगे हम सब्जी को। और ये देखिए इसमें मसाले ऐड करने हैं मुझे, हल्दी पाउडर, इसके बाद मिर्च पाउडर, और इसके बाद धनिया पाउडर, और नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने ठीक ही इसमें डाला है, ना ज़्यादा ना कम। और ये अच्छे से इनको चला दूँगी, और मसाला जो है तब तक भूनना चाहिए। और ये मैंने जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है, जो दाल में था पानी बस वही ऐड किया है मसाले में,
और इनको अच्छे से मैं भून लूँगी मसाले को, जब तक तेल सा ना आ जाए ऊपर। और तेल आ जाएगा फिर मैं दाल को भी ऐड कर दूँगी इसमें। और आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं और टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस मैंने मक्खन ही ऐड किया था इसमें, मक्खन और घर की जो मलाई रखी थी थोड़ी सी, बस वही ऐड की थी। तो कैसा लग रहा है मसाला प्लीज़ बताइएगा। बहुत अच्छे से भुन चुका है ये और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें दाल रखी है, दाल को ऐड कर दूँगी और इसमें 2 से 3 सीटी लगा लूँगी अभी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, रह जाती है तब तक मसाला सब्जी दाल या फिर मसाले मिक्स ना हो जाए एक दूसरे में, जब तक टेस्ट नहीं आता है सब्जी का या दाल का। और ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब इसमें 2 से 3 सीटी लगा लूँगी, और 2 से 3 सीटी लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। और मक्खन ऐड कर दूँगी इसमें अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा थिंक करने के लिए पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर बस मुझे इतनी ही रखनी है ये, इससे ज़्यादा नहीं, बस इसमें मुझे सीटी लगा लेनी है ये 2 से 3, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दाल हो चुकी है और इसमें 2 से 3 सीटी लग चुकी हैं। और इसके बाद मैंने इसको खोल दिया है कुकर को, इसमें मैं मक्खन ऐड करूँगी और धनिया गरम मसाला वगैरह, और इसमें जो दाल मखनी का मसाला है वो ऐड कर दूँगी बस। और उसके बाद मेरी दाल मखनी बनकर रेडी है। और आपके घर में अगर टमाटो केचप है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इसमें दही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर इसमें धनिया ऐड कर दूँगी मैं, मक्खन और धनिया गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स दाल मेरी रेडी हो चुकी है। यहाँ देखिए मक्खन धनिया वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। तो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए अपना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।